मॉर्निंग अगेन. और आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन मैं आज काम कर रही हूँ, थोड़ा सा लॉन्ड्री वर्क. और लॉन्ड्री के लिए मुझे जाना पड़ता है हमारे अपार्टमेंट की लॉन्ड्री में, जो कि घर के अंदर नहीं है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे, और वहाँ पे जाना है, लॉन्ड्री करनी है और थोड़ा सा बाहर भी जाना है. तो आज के दिन मैं जो जो भी करती हूँ मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, और होपफुली आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट. तो वो है लॉन्ड्री रूम, और कपड़े मैंने ऑलरेडी वहाँ पे रख दिए हैं. मैं गई थी ये लॉन्ड्री का कार्ट लेने घर पे, तो ये कपड़े रख दिए हैं, डिटर्जेंट. और इस तरीके का मशीन है, मैंने पहले कपड़े डाले हुए थे वो मुझे ड्रायर में डालने हैं, तो ये डाल देती हूँ. स्ट्रगल ये है कि मैं वो उतने सारे कपड़े उठा के ऊपर वाले फ्लोर पे गई और वहाँ पे लॉन्ड्री बंद है, तो अब मुझे ये कपड़े लेके घर पे आना पड़ गया. और अब मैं देखती हूँ, कुछ फिगर आउट करती हूँ. लग रहा है ज़िंदगी लॉन्ड्री करने में निकल जाएगी. इसके बाद मुझे जाना है वेस्ट एडमिंटन मॉल, हम वहाँ चलते हैं और वो मैं आपको दिखाती हूँ. अब लॉन्ड्री वाला पार्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बोरिंग है, आई नो. तो हम उसी वक्त मिलते हैं जब मुझे जाना होगा. तो अभी की स्टोरी ये है कि मैंने बनाया है थोड़ा सा पास्ता. आई शो यू गाइस, इस तरीके से पास्ता बनाया है और मैं खा के फिर मैं जा रही हूँ वेस्ट एडमिंटन मॉल, और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें और उसके बारे में कुछ चीज़ें बताती भी हूँ. तो मैं फटाफट खा के आपको मिलती हूँ. सो आई एम ऑल सेट टू गो टू द मॉल, और मैं जा रही हूँ और मैं आपको भी साथ में जर्नी कराती हूँ. मैंने बुलाई है ऊबर क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती अभी फिलहाल यहाँ पे. तो लेट्स गो. जो मॉल है दुनिया के बड़े मॉल्स में से एक है, और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा लेक. ये लेक भी यहाँ पे छोटा सा आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, और इसका जो ये बिल्कुल दुबई मॉल के जितना ही बड़ा मॉल है, एग्जैक्टली वही साइज़ का. तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मुझे इसके 2-3 ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सा व्यू इसका ज़रूर बता दूँगी. मैं फिलहाल आई हूँ इस सलून में जहाँ पे मुझे करवानी है आईब्रो. तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, और मॉल भी घूमेंगे और यहाँ पे सर्विसेज के रेट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बताती हूँ. तो लेट्स कंटिन्यू. तो यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले करना है चेक इन. हम आ गए गर्ल्स ब्यूटी बार में, और उसमें जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. और जो भी अगर आपका कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जिससे आप करवा सकते, ब्यूटिशियन कहते हैं, ब्यूटिशियन से अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद और ये यहाँ पे वॉक इन्स हैं, डायरेक्टली आप आ सकते हैं और ऑन द स्पॉट कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बेनिफिशियल पार्ट है, जनरली यहाँ पे ऐसा होता नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट और मैं आपको बताती हूँ जो भी है. तो ये हो गया है और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा ये है स्वेलिंग, लेकिन वो तो टाइम के साथ चला जाएगा क्योंकि वो स्किन सेंसिटिव है मेरी, इसलिए होता है. एंड देन सब कुछ हो गया. ये सर्विसेज बहुत अच्छी रही, मेरी सर्विसेज की हैं किरण ने, एंड शी इज़ सो नाइस एंड सो फ्रेंडली, और बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा सर्विस किया है. सो अगर आप आओ तो नेक्स्ट टाइम इनसे करवा सकते हो. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था. और यहाँ पे इस मॉल में बहुत सारी शॉप्स हैं, मैं आपको वन बाई वन सारे तो नहीं लेकिन जितनी हो सके उतनी दिखाने की कोशिश करती हूँ.
नजरें चुराती हुई मैं वाटरमेलन जूस, अब इसको पी रही हूँ और अब वक्त हो गया है घर जाने का, तो मैं घर जाती हूँ और अब मैं आपको वहीं मिलूँगी। तो घर जाने के लिए मुझे उबर कॉल करनी पड़ेगी और उबर बुला के आई विल सी यू देयर। सो फाइनली आई केम बैक फ्रॉम मॉल और अब मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ और आज का जो दिन है वो भी खत्म होने आया है ऑलमोस्ट। सो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंस्टा हैंडल भी यहाँ पे दे दूंगी, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे स्टोरीज डालते रहती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।